सीट सपा की आएगी या बीजेपी की आएगी? सपा की आएगी, सपा की आएगी, सपा की आएगी। पुरानी समाजवादी सरकार ने जो विकास किए हैं, जनता उन्हीं को आधार पर रखते हुए वोट देगी। एक एक वोट विकास के नाम पे जाएगा। सपा की राजनीति धर्म पे चलती है और ये सब अधर्म का खेल है। योगी और भोगी ये रस भोगी है वो। तुम किसे चले? नेताजी की पहचान इस मैनपुरी से है और मैनपुरी की पहचान नेताजी से है। नेताजी ने जिस मैनपुरी को दिया है ना, वो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं दे सकती। गौशालाओं को बहुत बुरी हालत, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है पीने को, गाय को पानी भी नहीं मिल रहा है। ये गायों के नाम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। कुछ काम रह गए हैं वो डिंपल भाभी और अखिलेश भैया पूरे करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की किसानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी जो छोटा तबके का व्यापारी है उसकी दुश्मन है। इनका प्रिय अडानी और अंबानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें आपको इस समय मैनपुरी की मैं किसनी विधानसभा में हूं और पीछे आप तमाम लोगों को देख रहे हैं। बात करेंगे इस बार चुनाव का माहौल क्या है, पब्लिक सपोर्ट किन मुद्दों पे कर रही है और जो बाई इलेक्शन है उस पर क्या फेस देख करके वोट कर रही है। सबसे पहले आप ही स्टार्ट करते हैं। नाम क्या था? वेद प्रकाश। कब से रह रहे इधर? यही रहते हैं, यही बचपना भी था। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है? अभी अगले सही निकलेंगे। नहीं निकलेंगे अखिलेश भैया, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या? मुद्दे कुछ नहीं, अखिलेश भैया से। हाँ अखिलेश भैया, डिंपल भाभी रही है ना? हाँ डिंपल भाभी लड़ रही, पर संबंध ये हमारा किसानी से है। हमें महंगी बिजली दी जा रही है, आवारा पशु गांव में घूम रहे हैं जिससे किसान पूरी रात रखवाली करता है और बिजली महंगी है, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही किसानों का। नाम पूरा गया? ओम बीर यादव। अच्छा, इस बार ये सब मुद्दे होंगे क्या? सिर्फ सिंपल फेस आप लोग डिंपल भाभी का लेकर चल रहे हैं? सिंपल फेस नहीं, नेताजी की ये तपोभूमि मानिए और हमारा मेन मुद्दा है किसानी से। किसानों के लिए सरकार अन्याय कर रही है। 2000 रुपए नहीं दिए? 2 रुपए की बात नहीं है, ये बताइएगा मीटर लगाए जा रहे हैं, मीटर लगने के बाद किसानों से 29 रुपए वसूले जाएंगे प्रति मंथ। अब बताओ किसान कहाँ से लाएगा? डीएपी खाद नहीं मिल रही है? डीएपी खाद भी लाइन लगा के मिल रही है और वो भी इफको यूरिया इस बार मुझे 1400 रुपए की दी गई, जबकि प्राइस 1350 का था और उसके साथ नैनो यूरिया भी दी गई जबरदस्ती। किसानों के पास रुपया नहीं है फिर भी जबरदस्ती थैला थमाया जा रहा है। मेन बात यह कि और महंगाई तो मान लो चरम पर है, महंगाई चरम पर है। चाचा आपका नाम? हाँ बलराम सिंह बोल रहा हूँ। और ये जो है जो राशन मिल रहा था जो लोगों गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, फ्री राशन नहीं मिलता, नहीं मिलता है, वो कट हो गया। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले या नहीं? आवास भी नहीं मिले हैं कहीं। डीएपी की खाद? डीएपी नहीं मिल रही। यूरिया भी नहीं मिल रही है। आप पहले थोड़ी सी यूरिया मिली थी वो भी बंद। 2000 रुपए खाते में तो आ रहे होंगे? खाते में वो भी किसी के कट हो गए, किसी के आ रहे हैं, वो भी पूरा नहीं। मुद्दे क्या है इस बार वोटिंग के? मुद्दे यही मुद्दे हैं कि यहाँ जो है नेताजी का पुराना गढ़ है और जो सुविधाएं मिल रही थी वो पूरी नहीं मिल रही। तो इस बार सपोर्ट किसको? सपोर्ट डिंपल यादव करेंगे। सपोर्ट डिंपल यादव करेंगे? हाँ बिल्कुल। नाम क्या है? हरवंश सिंह। हाँ हरवंश सिंह यादव। अच्छा, इस बार किन मुद्दों वोटिंग होने जा रही है? इनकी डिंपल की होगी। सिर्फ डिंपल? हाँ। मुद्दे क्या है? सब यही है राय दे इनके, सब मुद्दे ही है खराब इनके। तो इनके मुद्दे कौन से अच्छा खराब है? कई जब बताओ सब कुछ पीलो बिन्ने मट्टी को तेल वेल सब डीजल 100 रुपया कर दो है, बिजली को बिलू अजर्रा चल रहा हुआ है, हाफ कर दो पूरा लग रहा हुआ है कि जू सब ब्याज हुआ है 1450 रुपया बिल हुआ है और 1950 लग रहे साहब। 1950 लग रहे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र यादव। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, वो तो यहाँ तो समाजवादी ही पार्टी जीतेगी, हमेशा संसद से जीत रही है। तो बदलाव नहीं होगा? केवल 3 बार कांग्रेस ने यहाँ निकाली है बस, उसके बाद सपा ही रही। इस बार बदलाव नहीं होगा? नहीं बदलाव कभी नहीं होगा। बदलाव होगा ही नहीं। अच्छा आप लोगों से एक बात कर ले, मौजूदा सरकार तो बीजेपी के सपा को लाने से फायदा क्या होने जा रहा है? फायदा क्या? फ्री बिजली होगी। हाँ। और शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ। इसमें केवल करनी कथनी में ये तो बीजेपी वाले बहुत अंतर है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनका केवल कागजों पर ही काम चलता है, हकीकत हाँ। जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं है इनका। यार गड्ढा मुक्त सड़कों की तो बात की, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई की नहीं? अभी देख लो जाकर, अभी भी गड्ढे है सड़क पे। नाम क्या है? मेरा कौशलेंद्र यादव। क्या कहोगे इस बार वोटिंग किन मुद्दों पर हो रही है? वोटिंग क्या मुद्दों पर? बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा?
ऐसा है ना, यहाँ पर जो विकास के नाम पे होगा इलेक्शन, और जो पुरानी समाजवादी सरकार ने जो विकास किए हैं, जनता उन्हीं को आधार पर रखते हुए वोट देगी। एक एक वोट विकास के नाम पे जाएगा। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं कुशमेश कुमार, किसनी विधानसभा से। जी सर, यहाँ जिस दिन से बीजेपी का सरकार मिला है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल, बेरोजगार, सभी से किसान को या जो भी मतलब ग्रामीण से या वैसे जो भी कृषि से जुड़े हुए हैं, इनको तो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। मतलब ये तो अपने जी रहे हैं जैसे नहीं कम सांसें मिलती हैं, कम ऑक्सीजन की जैसे उस तरीके से जी रहे हैं। बदलेगी नहीं, सपा की आएगी। जी सपा की आएगी सीट, सपा की आएगी या बीजेपी की आएगी? सपा की आएगी, सपा की आएगी, सपा की आएगी। अरे सपा की सपा सफा क्यों नहीं होगी? सपा नहीं होगी कभी भी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी। नाम क्या आपका? धर्मवीर। क्या मुद्दों पर वोट करेंगे? हम वोट साइकिल में लगाएंगे ठप्पड़ी से। अरे क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये राजनीति वैसी होती है, धर्म पर राजनीति चलती है। सपा की, सपा की राजनीति धर्म पर चलती है, और ये सब धर्म का खेल है। योगी और भोगी, ये रस भोगी है वो, और वो जो मोदी है वो तो पक्का ठग है। अरे दीपावली में घंटा से गई काल थोड़ी चलता है, थालियों से दीपकों से गई काल चलता है। अरे चाचा, आजमगढ़ भी गढ़ था सपा का, सेंध लग गई। नहीं लग जाएगी, छुट जाएगी। धर्म की विजय हमेशा होती है, अधर्म का नाश होता है। तो धर्म की विजय तो हो गई ना आजमगढ़ में, भाई इलेक्शन था। किसकी? निरहुआ जीत गए। निरहुआ जीत गया तो मशीने मोदी करवा देता है, डंप मरवा देता है, संसद बाकी है, राज्य बाकी है, योगी भोगी सब। अच्छा अच्छा अच्छा, अब की भी यहाँ भी ऐसी तैयारी होगी? फिर ऐसी होगी तो काट दिए जाएंगे नहर में हजारिया। कौन 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 काट दिया जाएगा? मोदी गाना। अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। हम बड़े 2000 रुपए खाते में आए थे कि नहीं आए थे किसानों के? किनके? किसानों खाते। उससे क्या होगा? गाय सब ढिलवा दी। अरे सुअर बरैया ढिले, बन 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 इकट्ठे कर दिए। बस ज्यादा नहीं, एक बात। जी 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 बोलिए। ये गाय जो है, गाय को ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हाँ। क्योंकि 20 रुपए मिलता है एक गाय पर, गाय बेचारी भूखे मर रही है, और लोग जो है खेती में जब जाती हैं तो लोग उसको बुरी तरह से दुर्दशा कर देते गायों का। गौशालाओं का क्या हाल है? गौशालाओं को बहुत बुरी हालत, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है पीने को, गाय को पानी भी नहीं मिल रहा है। ये गायों के नाम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है सरकार में। झूठ नहीं बोल रहे? ये नहीं झूठ कदम नहीं बोल रहे, अत्याचार पक्का अत्याचार हो रहा है। कसम खा के बैठे सरकार खिलाफ। आप बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम किशन पाल है। देखो किसान यूनियन से जुड़े हुए क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास इस क्षेत्र में कोई कैंडिडेट नहीं है। उधार का कैंडिडेट लिया हुआ है, वो हारी मान चुका है। ये नेताजी का गढ़ है, किसानों की जमीन है ये, और नेताजी किसानों के नेता है, किसानों के हमदर्द रहे हैं। किसान नेताजी को कभी आजीवन, जब तक पीढ़ियां रहेंगी, किसान कभी नेताजी को भूल नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जो डिम्पल भाभी आई है अब, डिम्पल भाभी वो जो नेताजी के कुछ काम रह गए हैं, वो डिम्पल भाभी और अखिलेश भैया पूरे करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की किसानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मजदूरों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी जो छोटा तबके का व्यापारी है उसकी दुश्मन है। इनका प्रिय अडानी और अम्बानी है, पूरा देश उनको लुटा दिया है। किसान को सब पता है, पढ़ा लिखा किसान है, हर चीज जानता है। तो अब की बार बूथ पर जवाब दिया जाएगा बड़ी मस्ती के साथ। बूथ लेवल पे वर्क कर रही बीजेपी? बूथ लेवल पे वर्क कर रही है, लेकिन मैनपुरी है ये मैं बीजेपी को याद रखना चाहिए। यहाँ उल्टी, यहाँ जो उल्टी टांगे करके और यहाँ से बीजेपी के लोग चले जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोला लाठी लगाई जाती है, और यहाँ उल्टी टांगे करके भेज दिया जाता है। ये मैनपुरी है। जेड सिक्योरिटी थी शिवपाल जी की, वाई पे आ गए। क्या फर्क पड़ता है यार, धरती पुत्र को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी हटाई गई थी, उन्होंने कह दिया था कि हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जनता और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ धरती पुत्रों को सिक्योरिटी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लगता है मुझे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जो जरूरत होती है तो देती है, वे भी हटा लें तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये सपा के सपोर्टर मालूम पड़ रहे हैं। सपा इनका सपाया करेगी, सपा से मतलब नहीं है, मतलब किसानों के लिए किसने किया है? 2000 रुपए दिए कि नहीं दिए? अरे भाई 2000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला। पेट्रोल कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, डीएपी खाद इनको नहीं मिल रही है। आज किसान का धान नहीं बिक रहा है, मंडियां बंद कर दी गई हैं। किसानों को आज जो देखोगे, इनको डीएपी में लाइन लगे लगे इन पर लठ पड़े हैं। डीएपी खाद समझते हो तुम? जानते हो यूरिया नहीं मिल रही, और मिल भी रही है तो कितने की है, और वो भी 5 किलो यूरिया चुरा ली गई। और बिजली अभी 3 दिन से आ रही है, वोट फिर भी नहीं मिलने वाला है। 3 दिन के बाद 5 तारीख के बाद यहाँ बिजली काट देंगे। ये नाराज बहुत है आप? नाराज नहीं है, बस गुस्सा वही निकलेगी, बूथ पे ही निकलेगी और मशीन पे निकलेगी। जी 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 वोट की चोट करेंगे। नाम क्या है? सिंटू यादव। कब से रह रहे इधर?
जिंदगी हो गई सबसे 32 साल हो गया। 32 साल वोट की चोट कैसे करेंगे भाई लोग? जनता है, जनता सरकार से लड़ नहीं पाएगी, ना पुलिस लड़ पाएगी, प्रशासन लड़ पाएगी। क्या पोलिंग में 5 तारीख को वोट की चोट होगी? किसको? सपा को वोट जाएगा। पक्का समाजवादी हूँ, पक्के समाजवादी हूँ। किस वजह से देंगे सपा को? सपा को, सपा ने काफी काम किए हैं। क्या काम किए? इसमें काम किए हैं, किसानों को पेंशन, विधवा पेंशन दी, महिलाओं को, बुजुर्गों को 60 साल पेंशन दी। और क्या कहेंगे, नाम क्या है? मैं केवल बस नहीं कहना चाहता हूँ कि नेताजी की पहचान इस मैनपुरी से है और मैनपुरी की पहचान नेताजी से है। नेताजी ने जिस मैनपुरी को दिया है ना, वो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं दे सकती। और फिर बात रही वोटों की, यदि ईमानदारी से वोटों की काउंटिंग हुई तो नेताजी का रिकॉर्ड बनेगा। उनकी जो धर्म पुत्र वधू हैं माननीय डिंपल जी, उनको इतना वोट मिलेगा कि लोगों की काउंटिंग जो सोच रहे हैं ना, वो बहुत उससे ऊपर जाएगा। बस ईमानदारी से होना चाहिए। यदि उन्होंने पावर का यूज किया, ईवीएम चेंज करा ली, तो भाई हम नहीं कह सकते। यदि ईमानदारी से वोटिंग हुई ना, तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी जो है नेताजी का नाम अमर कर देगी, अमर है और अमर कर देगी। दादा क्या कहेंगे आप, नाम क्या है? मारो पालाज। कब से रह रहे इधर? हैं? कब से रह रहे हैं? बहुत दिन हुई है, बचपन तक। बचपन यही बीत गया? हाँ। भाजपा आएगी इस बार या नहीं आएगी, सही बात बताना। आइए ना, काहे किस लिए आइए? वोट किसे दे रहे? वोट देखो किने दे, किने किने दे। अरे तुम लोग क्यों बोल रहे, तुम किसे दोगे? तुम किसे? अच्छा चलिए चलिए, अच्छा आप बताइए। डिंपल जीते, सही बोल रहे, सब दबाव बना रहे हमें, कमार बना तो साइकिल या कमल साइकिल। आप ये देख रहे हैं मैनपुरी की जनता है, किसने विधानसभा की सभी साइकिल यहाँ पर चिल्ला रहे, साफ तौर से बता रहे सपोर्ट किसको करने वाले। आप सुन रहे हैं यहाँ की जनता की राय क्या है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैनपुरी की पल पल की खबर आपको दिखाऊंगा, बाई इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। मैं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए, धन्यवाद।